नमस्कार, आप देख रहे इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, विवेकानंद दरिद्रा के विरुद्ध युवा पीढ़ी को उठो जागो एवं जगाओ का मंत्र दिया योगेश सिंह। इंडिया टाइम न्यूज से संवाददाता समीर कुमार, यूपी के जिला बलिया में सिकंदरपुर डाक बंगला 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद दरिद्रा को सबसे बड़ा अवसर मानते थे। दरिद्रा के विरुद्ध युवा पीढ़ी को उठो जागो जगाओ का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हम सबके प्रिय और जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति परम सभ्य योगेंद्र सिंह जी। इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में पधारे हमारे जिला प्रचारक परम सभ्य राजीव नयन जी। इस कार्यक्रम में हम सबके अभिभावक परम सभ्य विनाथ वर्मा जी, इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे भाई भोला सिंह जी, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अपने विचारों को प्रकट करने वाले परम श्रद्धेय डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी, इस कार्यक्रम में या हर कार्यक्रम में बड़े ही विचारों के साथ लय होकर के हम लोगों को अपनी बात रखने वाले नौजवान साथी भाई मोहन कांत जी, भाई राजेश वर्मा जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई जुवाल सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई अरविंद कुमार राय जी, इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में अहर्निश लगे हुए भाई सुरेश सिंह जी, भाई मुन्ना राय जी, भाई देव शंकर जी, हमारे क्षेत्र के सभी बूढ़े बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी मित्रों, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के पुराने साथी परम श्रद्धेय करते हैं। मैं जब आया तो राय साहब को सुन रहा था, उसके बाद उपाध्याय जी को भी सुना। जब इस तरह का मंथन जब आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है, प्रारंभ से विवेकानंद के जन्म से लेकर के किस तरह से उनकी परिस्थितियां थी, उनकी मां ने मनौती माना था और काशी में वो आए थे और वहां क्योंकि पुत्र नहीं हो रहा था, ये बात सही है कि बड़े वकील थे, पुत्र नहीं हो रहा था, उनकी मां काशी में आकर के उन्होंने व्रत लिया था और उसी कुछ ही दिनों के बाद पैदा हुए थे नरेंद्र। राजीव जी ने बताया, कई लोगों ने और आप सब जानते हैं, राजधारी भाई ने भी बताया, जिसे कभी कभी कई वक्ताओं ने भी इस बात का जिक्र किया कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, निर्गुरु हो ही ज्ञान और बिना सत्संग के। और नरेंद्र जब, जैसा कि इस बात का जिक्र किया गया, जब गए वहां रात इस परमहंस देख करके उनको जैसे लगा कि बहुत दिनों से उनको ये कर रहे थे और एक गुरु ने खोज लिया अपने शिष्य को और शायद यह भारतीय मनीषा की भारतीय संस्कृति में ये बात मिलती है। जब किसी ध्रुव को जब सिंहासन से उतार दिया जाता है, आप इस कथा को सब जानते हैं, वह त्याग दिया गया, उसकी मां ने कहा कि जाओ इस सिंहासन पर मत बैठो, अगर सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें किसी राजा या तुम्हारी गोद में पैदा होना पड़ेगा किसी रानी की।